गया में डीएम ने की अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया आरंभ। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि गया सुरक्षित क्षेत्र से प्रत्याशी का नामांकन फी 12,500 रुपया निर्धारित है। उन्होंने कहा 18 मार्च से जारी नामांकन प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगा। उम्मीदवारों का नामांकन दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक समय निर्धारित है। अधिसूचना के मौके पर डीएम अभिषेक सिंह तथा एसएसपी राजीव मिश्रा ने संयुक्त रूप से पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की। विभिन्न जो प्रक्रियाएं होती हैं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में, उसकी अधिसूचना आज जारी की गई है, और जिसमें अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन का जो प्रक्रिया होता है वो भी आज से शुरू हो गया है। यह नामांकन का प्रक्रिया प्रतिदिन आज से 18 मार्च 2019 से लेकर 25 मार्च 2019 तक चलेगा, जिसमें 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन लिए जा सकेंगे। यद्यपि NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुरूप 1889 के अनुरूप जो दिन पब्लिक अवकाश घोषित हैं वो दिन नामांकन नहीं लिए जा सकेंगे, यथा 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। आज कोई भी नामांकन हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन नामांकन की जो पूरी व्यवस्था है उसको आज की गई थी और अगले सभी दिनों पर यह यहाँ पर रहेगी। जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन के आलोक में 38 गया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में 226 शेरघाटी असेंबली सेगमेंट, 228 बाराचट्टी असेंबली सेगमेंट एवं 229 बोध गया असेंबली सेगमेंट में 11 तारीख को जो पोलिंग होगा उसका समय 7 बजे सुबह से 4 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 230 गया टाउन असेंबली सेगमेंट, 232 बेलागंज असेंबली सेगमेंट एवं 234 वजीरगंज असेंबली सेगमेंट में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, अपराह्न 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। संवीक्षा की तिथि 26 तारीख को निर्धारित की गई है, जो 11 बजे से मेरे सभाकक्ष में की जाएगी, और अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि 28 मार्च 2019 को रखा गया है। आज ही एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी गया लोकसभा क्षेत्र के लिए आ चुके हैं, उनके द्वारा भी आज एक बैठक की गई, विस्तृत बैठक की गई एयरपोर्ट के साथ, रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर के साथ, CISF के साथ, कस्टम्स के साथ, इनकम टैक्स के साथ और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स के साथ और सभी ARO's के साथ, और उनके द्वारा भी जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का विभिन्न दिशा निर्देश हैं उसको विस्तृत रूप में सबको बताया गया। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी एक बैठक रखी गई है, जिसमें EVMs एवं VVPAT का जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है, जिसमें कि EVMs और VVPAT असेंबली सेगमेंट वाइज एलोकेट किए जाते हैं, उसकी भी कार्रवाई चल रही है। जो इलेक्शन कमीशन के EMS सॉफ्टवेयर, EVM मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम होता है, उसके आधार पर किया जा रहा है, और यह भी आज प्रक्रिया पूरी करके अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये सभी EVM मशीन्स को स्ट्रांग रूम में लोकेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो नामांकन की प्रक्रिया के समय यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी जो यहाँ पे आएंगे उनको एक किट के माध्यम से विभिन्न जो दिशा निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है एवं जो व्यय पंजी है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाता है, और उसके साथ ही उनका व्यय का जो हम लोगों का अनुसरण होता है वो शुरू हो जाता है। और इसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो सर्विलेंस टीम VST बोलते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड FST एवं SST जो ऑलरेडी कार्य कर रहा है वो भी उसके साथ ही वो कार्य करना और उसके साथ रिपोर्ट करना शुरू कर देता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के पहले जनरल ऑब्जर्वर भी आ जाएंगे, जो नॉर्मली स्क्रूटनी के पहले उनको स्क्रूटनी उनके समक्ष ही होता है, उनके प्रेजेंस में होता है। तो यह पूरी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो विभिन्न जो उसकी कंपोनेंट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, और हम लोग
आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में यह पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं बड़े अच्छे माहौल में इसको पूरी को संपादित किया जाए। सर, आज कितने NR कटे हैं? अभी तक तो आज कोई NR नहीं कटा है, और लेकिन कुछ लोगों ने जरूर इसके बारे में इंक्वायरी किया है, तो उम्मीद करते हैं अगले 2 या 3 दिन में जरूर इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। क्या फी होगा? NR का फी फिक्स है, गया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि रिजर्व है उसके लिए 12,500 जमा करना। और अभी तक जो हम लोग का अनुभव रहा है कि जो समय दिया गया है 7 बजे से 4 बजे तक, 5 या 9 घंटे हैं करीब, ये काफ़ी पर्याप्त संख्या है। और उसमें भी ये सुनिश्चित किया था कि 4 बजे तक पोलिंग स्टेशन के अंदर जितने लोग आ जाते हैं वो सभी को वोट देना होता है। और ये पाया भी गया है कि वहाँ पर भी लोग 3 बजे या 4 बजे के बाद बाहर नहीं जाते हैं, तो जो वोटिंग करते हैं नॉर्मली सुबह में दोपहर तक वोटिंग कर लेते हैं। तो ये एक व्यवस्था पहले भी रही है, और इस व्यवस्था से यही एक सुनिश्चित होगा कि जो जो हमारा पूरा चुनाव प्रक्रिया है वो सुरक्षित माहौल में किया जा सके, और जो वोटर्स भी वो भी सुरक्षित रहें। जो हम लोग का व्यवस्था भी किए हैं, जो हम लोग पोलिंग स्टेशन बनाए हैं रिमोट एरियाज में, बहुत बड़े पोलिंग स्टेशन नहीं बनाए हैं, छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन हैं, वोटर्स कम हैं उसमें, तो इसलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि उससे किसी भी वोटर्स को कोई असुविधा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में 1400-1400 होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 होता है, ये सारी जगह मोस्टली 1200 से कम ही वोटर्स हैं। अगर 1200 से ज़्यादा अगर वोटर होता है तो एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी दे दिया जाता है, उस ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन की पूरी टीम अलग से रहती है, और ये सभी सुविधाएँ सुनिश्चित हो जाएंगी। और चुनाव आयोग का निर्देश है, उसका अक्षरशः अनुपालन बिल्कुल होगा, और उसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जैसे कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर देना है, बाकी हेल्प डेस्क लगाना है, फर्नीचर लगाना है, वो सारी चीज़ें तो 3 या 4 दिन पहले ही इंश्योर कराई जाती है, बट उसके अलावा बाकी जो भी कार्य है वो सारे हम गया लोकसभा क्षेत्र में और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में उसकी कुछ विधानसभा क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, उसके लिए हम लोग माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह से चुनाव तो शांतिपूर्ण होगा ही, साथ ही साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और जिला प्रशासन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव तो कराएंगे, साथ ही साथ पार्टिसिपेटिव भी रहेगा, इंक्लूसिव भी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता भी तैयारी हो रही है, हम लोग उसका एंटीसिपेशन और उसकी क्या सूचना सूचना है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और चुनाव जो है निष्पक्ष शांतिपूर्ण रहेगा। सर, नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन की पूरी तैयारी क्या सुरक्षा व्यवस्था है? नॉमिनेशन के लिए जो है ज्वाइंट ऑर्डर के अधीन जो है पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, और सभी स्थलों पर जो है जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने सुबह फोर्स चेक भी किया और सभी जगह पर उपलब्ध रहे हैं। नॉमिनेशन के लिए जो भी महत्वपूर्ण जिला पदों की संख्या क्या कुछ और बढ़ाई जाती है? अभी तक जो है 58 लोगों के विरुद्ध जो है SCCA का प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है, जिसमें 17 लोगों के विरुद्ध आदेश हो गया है। आज भी कुछ प्रस्ताव जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो है भेजे गए, और नियत समय के अंदर चुनाव के पूर्व पर्याप्त संख्या में जो भी इस तरह के लोग हैं जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं उनके विरुद्ध CCA के अधीन और CRPC की अलग अलग धाराओं के अधीन विरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज तक जो है अभी तक 13,101 लोगों के विरुद्ध 107 का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसमें 3,444 लोग अब तक बाउंड डाउन भी कराए जा चुके हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि जितने लोगों के विरुद्ध 107 का प्रस्ताव भेजा जाए वो सभी अंत तक बाउंड डाउन करा दिए हैं। तो लेकर जो है हम जो है पुलिस अधीक्षक स्तर से और पुलिस अधीक्षक स्तर से सभी थाना अध्यक्षों SDPO के साथ बैठक हुई है, सभी थानों में मंडल स्तर पर भी शांति समिति की बैठकें हुई हैं, इसके अलावा जो संवेदनशील स्तर है वहाँ भी बैठकें की जा चुकी हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए आज भी जो है हमारे स्तर पर बैठक हुई, और एक एक जो संवेदनशील जगहें हैं और किन कारणों से संवेदनशील हैं उन सभी का विश्लेषण किया गया है, और उसके आलोक में सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति
की जाएगी। इसके अलावा जो और जो संवेदनशील स्थल हैं, उन संवेदनशील स्थलों पर सभी थाना अध्यक्षों को वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कहा गया है, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जो चुनाव आयोग का मानक है, उस मानक के हिसाब से सभी जगह बल प्रतिनिधित्व कराएंगे। 2,79,590 रुपये किस मद में है सर? किस मद में ये जो है अलग अलग मद में है, वाहन चेकिंग। उन्होंने कहा कि गया जिले में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएसपी राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शांतिपूर्ण नामांकन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि गया सुरक्षित क्षेत्र से प्रत्याशी का नामांकन फी 12,500 रुपया निर्धारित है। उन्होंने कहा 18 मार्च से जारी नामांकन प्रक्रिया 25 मार्च तक चलेगा। उम्मीदवारों का नामांकन दिन के 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक समय निर्धारित है। विदित हो 38 गया सुरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब गहमागहमी बढ़ने लगी है। डीएम श्री सिंह ने कहा कि गया में प्रथम चरण के मतदान के नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। यहां 11 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होना है, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि मतदान के दिन अर्धसैनिक बल मतदान की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा। जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराना मुख्य उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव को लेकर गया जिला में कई कोषांग खोले गए हैं। सभी कोषांग अपने अपने तरह से कार्य कर रहे हैं। वहां जिला नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है, जो पूरे गया को नियंत्रित कर रहा है। पूरी चाक चौंद व्यवस्था जिले में देखी जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए लगी है।